जो पोषक तत्व होते हैं उनका वर्गीकरण इस प्रकार से है। पहला होता है मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व का मतलब ये होता है कि जिसकी क्या होती है 1 PPM से ज़्यादा की आवश्यकता होती है, यानी 1 PPM से ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है। इनको मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि प्राथमिक यानी प्राइमरी, प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व। ठीक है, प्राथमिक का मतलब जो पौधे की प्रारंभिक अवस्था के लिए जरूरी है, यानी जब पौधा अंकुरित होता है, जड़ें बनती है, पत्तियां बनती है, तना बनता है, उसके लिए जरूरी है, यानी पौधे की आधारभूत संरचना बनाने के लिए। तो ये 6 होते हैं, NPKCHO। जो CHO है वो पौधे की जो स्ट्रक्चर है वो बनाने के लिए ज़रूरी होता है, और NPK जो है वो पोषक तत्वों को इधर उधर ले जाने और पौधे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। द्वितीयक पोषक तत्व तो 3 होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इस प्रकार से टोटल कितने हो गए, यानी टोटल अपने अगर पूछे जाएं तो ये सारे पोषक तत्व तो 17 होते हैं, और जिनमें से मुख्य जो पोषक तत्व तो हैं वो 3, 3 6 और 3 9 होते हैं। ठीक है, और प्राथमिक पूछे जाएं तो 6 होते हैं, द्वितीयक पूछे जाएं तो 3 होते हैं। आगे इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व, तो सूक्ष्म पोषक तत्व कितने बच गए, यानी कि 9 ये हो गए, टोटल 17 हैं, यानी कि 8 पोषक तत्व बच गए हैं। ठीक है, तो जो बाकी बचे हैं वो 8 पोषक तत्व यहाँ पर आएंगे। इस प्रकार से ये टोटल 17। अब आगे जो हैं वो सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि 8 होते हैं, जिनकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो जिनमें क्या है कि 1 PPM से कम की आवश्यकता इनको पड़ती है। ठीक है, 1 PPM से जिनको कम की आवश्यकता पड़ती है वो सारे सूक्ष्म पोषक तत्व तो हैं। 8 हैं, कौन कौन से, Fe होता है, Zn होता है, Cu होता है, और मोलिब्डेनम होता है, मैग्नीज होता है, और निकल होता है, बोरोन होता है, क्लोरीन होता है। ठीक है, 2, 4, 6 और 8 हो गए। ठीक है, इस प्रकार से ये 8 पोषक तत्व होते हैं। अब ये टोटल सारे 17 हो गए, नॉर्मल सी है ये चीज़ें, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कंपटीशन में ये चीज़ें कई बार पूछ ली जाती है कि मैग्नीशियम किस प्रकार का पोषक तत्व है, या कई बार पूछ लिया जाता है मुख्य पोषक तत्व तो क्या होते हैं, डेफिनेशन लिखिए कितने होते हैं संख्या में, सूक्ष्म पोषक तत्व तो क्या होते हैं संख्या में कितने होते हैं, कौन से होते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान होनी चाहिए, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। आगे इनका डिस्क्रिप्शन है वो अगली वीडियो में अपने पढ़ते हैं।